नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा मुंबई ब्लॉगर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है बारात निकलने की। तो देख सकते हैं दूल्हे राजा मंडप में आ गए हैं, बारात लेके निकलने की तैयारी हो रही है। तो आगे का वीडियो आप लोग देखिए, इंजॉय कीजिए बारात निकलने से लेके वरमाला तक। दोस्तों, बारात निकल चुकी है, सब लोग पार्लर से घर आ गए और रेडी होके नीचे आ गए हैं। नीचे देख सकते हैं हम सब डांस कर रहे हैं ये अपने बिल्डिंग के पार्किंग में। अब बारात निकलने ही वाली है, तो निकलने से पहले हमारे यहाँ ये परछन होता है दूल्हे राजा का, तो परछन जैसे ही हो जाएगा हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों, बारात लेके हम लोग आ चुके हैं, बारातियों का स्वागत हो चुका है। आप लोग ने देखा, हम लोग ने गेट पे बहुत सारा डांस किया और उसके बाद ये अंदर आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं अंदर इस तरह का नज़ारा है।
होटल वालों ने कुछ इस तरह सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था और जगह जगह पे सारे मेहमान बैठे हैं। तो इसके बाद चलो आगे, सारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं सबको एक एक करके मिलाऊंगी भी कि कौन कौन से गेस्ट हैं। ये मेरे हस्बैंड के सारे गेस्ट हैं, तो चलो आगे का वीडियो आप लोग देखिए भी और सुनिए भी। तो यहाँ दोस्तों मैं आप लोग को हेलो नमस्कार बोल रही हूँ और बता रही हूँ कि ये सारे मेहमान हैं मेरे पति देव के सारे स्कूल फ्रेंड हैं और इनकी जो वाइफ है वो मेरी फ्रेंड है। तो इसी तरह बात करते करते हम इतना मस्ती कर रहे थे, इतना मस्ती कर रहे थे और हमारी वॉइस सुनाई दे रही थी। बहुत अच्छा वीडियो बना था दोस्तों, पर दुर्भाग्यवश म्यूजिक सुनाई दे रहा था, जो होटल वालों ने म्यूजिक बजाया था वो म्यूजिक मेरे वीडियो पे आ गया था। तो उसके वजह से जब मैं वीडियो पोस्ट की तो कॉपीराइट आ गया, तो मुझे फिर से डिलीट करके फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो अभी मैं परिचय आप लोग को कराती हूँ कि कौन कौन है। ये हैं संजय भैया जो पगड़ी बांधे हैं, और ये हैं राकेश भैया, और ये हैं अनुराधा मैडम जो हेलो बोल रही हैं, और उसके बाद अनुराधा के पति देव अली भैया, और ये हैं किशोर भाई, और ये है अंजू, और ये है दिवेश भैया, और ये है राजू भैया। तो ये सारे मेरे हस्बैंड के स्कूल फ्रेंड हैं और मैं बता रही हूँ कि इनकी सारी वाइफ जो हैं वो मेरी फ्रेंड है। तो फिर मैं देख सकते हैं हंस रही हूँ, सब मेरा खिंचाई कर रहे हैं, मैं बोल रही सारी के ऊपर बोल रही हूँ। तो इसी तरह सब मेरा मजाक भी करते, मतलब मस्ती भी करते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बोल दे रही थी कि सबको इतना हंसी आ रहा था। और यहाँ देखो ये बोली कि मैं आई हूँ सदा सुहागन अपने पति देव के साथ, बाकी सब अकेले आए हैं। तो इसी तरह बोली एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ऐसे ही मस्ती चलती रहती है और यहाँ परिचय कम मस्ती ज़्यादा चल रही थी और बहुत अच्छा वीडियो बना था दोस्तों। अगर आप लोग सुनते ना तो आप लोग का हंस हंस के पेट दुखने लगता कि हम लोग क्या क्या बोले जा रहे थे, मस्ती करते जा रहे थे। और क्योंकि हम पहले भी एक दूसरे से मिलते रहे हैं, बहुत मतलब जान रहे, कई सालों से जान रहे हैं और एक साथ घूमने उमने भी जाते हैं, तो इतना अच्छा मेरा भी मतलब जान पहचान हो गया है भाई लोग से और इनकी वाइफ लोग से कि हम कुछ भी मस्ती करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो सोचते समझते नहीं हैं। तो पहली बार ऐसा नहीं है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैसे घुल मिल के बात कर रही हैं। तो दोस्तों हम पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों ये रही हमारी मस्ती, उसके बाद सब लोग चले गए नाश्ता पानी करने और यहाँ हमारी देवरानी साहिबा एंट्री मार रही हैं। तो इस तरह कुछ इनकी देवरानी साहिबा की एंट्री होती है। तो मैं आप लोग को नेम भी बता देती हूँ, मेरी देवरानी का नाम है रत्ना और देवर का नाम है शिव कुमार। तो जिस तरह सारी दुल्हनें जाती हैं उसी तरह हमारी देवरानी साहिबा भी जा रही हैं। भाई लोग चदरिया लेके ऊपर से जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं और सारे उनकी जो बहनें हैं सहेलियाँ हैं सारी पीछे हैं और आगे हम लोग स्टेज की तरफ खड़े हुए हैं। तो यहाँ देवर जी हाथ पकड़ के सीधा स्टेज पे चढ़ाएंगे, खूबसूरती से देख सकते हैं स्टेज पे चढ़ चुकी हैं। तो स्टेज पे चढ़ने के बाद तो आप लोग देखिए कैसे लग रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दोनों का जोड़ी कैसा कैसा लगा। कि इधर देख सकते हैं साइड में हम सब खड़े हैं, उधर बराती घराती सब साइड में खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अंगूठी पहनाने का रस्म होगा जिसे इंगेजमेंट कहते हैं, सगाई भी कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अंगूठी उठाया जा रहा है पहनाने के लिए। तो पहले देवर जी उठाएंगे पहनाएंगे, फिर देवरानी साहिबा पहनाएंगी। तो पहला एंगेजमेंट का रस्म हो रहा है, फिर उसके बाद होगा वरमाला। तो आप लोग वीडियो में देखिए किस तरह होता है। तो एंगेजमेंट हो चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं अपनी अपनी इयररिंग दिखा रहे हैं तो, और बहुत सारा फ़ोटो खींचा जाता है, इतने सारे कैमरामैन लगे रहते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम वीडियो ले, हम फ़ोटो ले। हमारा वीडियो देख सकते हैं कितना साइड से लिया हुआ है और अभी आएगा कैमरामैन अपना वीडियो वगैरह भेजेगा। और यहाँ होने जा रहा है वरमाला, जयमाल जिसे बोलते हैं, और ये दोनों कपल आपस में ही बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वही दोनों जाने। तो इस तरह कुछ फूलों का वर्षा हो रहा है, देख सकते हैं गुलाब का फूल, पंखुड़ी। तो अब चलो मैं मिलाती हूँ अपने मायके की फैमिली से। तो ये है मेरी मायके की फैमिली, ये हैं
कंचू मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी और जीजू साइड में, और उधर पति देव भी हैं, देख सकते हैं कोट पहने हुए हैं। वाइट साइड में मेरे भैया हैं, उसके बाद मैं हूँ, नेहा है मेरी भतीजी, राहुल है भतीजा और भाभी हैं। अभी तुमको अनसब्सक्राइब करने वाली हूँ मैं, आज से मेरा सब्सक्रिप्शन हटा और दोनों मोबाइल के नंबर से कर देगी, देखो दोनों मोबाइल से हटा। तो ये तो हमारी मस्ती रही, अभी ये वीडियो देखने के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। और ये मेरी बीच वाली सिस्टर आ गई, उसकी बेटियां पता नहीं कहाँ हैं। हाँ सॉरी, याद आया, बेटियां तो मेरा वीडियो बना रही है, कैमरामैन बनी हुई है, अभी वीडियो देखेगी तो वो भी मेरे ऊपर चढ़ेगी कि मुझे फ़ोन पकड़ा के बोल रही है कि उसकी बेटियां कहाँ हैं पता नहीं। तो यहाँ हम खाना खा रहे हैं, सारे गेस्ट खा चुके हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं मेरी बीच वाली सिस्टर है बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ उसका ध्यान है, क्या देख रही है, शायद स्टेज की तरफ देख रही है, दूल्हे दूल्हा का जो फ़ोटो वोटो चल रहा है। और इधर मैं कुछ बोल रही हूँ रोशनी को, और इधर हमें हमारे लिए कुछ हलवा हलवा लाया जा रहा है। ये बस खाली हम लोग ही रह गए थे, बस जो घर के मेरी जेठानी, मैं और पति देव और उनकी जीजा, यही थोड़े से लोग रह गए थे, बाकी सारे खा चुके थे। और दूल्हा दुल्हन तो अभी फ़ोटो ही खिंचवा रहे हैं, वो लेट खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं। दोस्तों हमारा कार्यक्रम शादी का आधा फिनिश हो गया है, जैसे कि वरमाला और रिसेप्शन और जो भी ऐसा होता है पहले वो सब हो गया है, और सारे गेस्ट जा चुके हैं। और ये देख सकते हैं मैं लास्ट में अकेले जा रही हूँ क्या बोल रही हूँ। और मैं शादी में नहीं रुक रही हूँ, क्यों नहीं रुक रही हूँ बता रही हूँ, क्योंकि हमें जाके बहू रानी का स्वागत करना है, और घर में कोई नहीं है और हम लोग को ही तैयारी करनी है। तो अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि सुबह के 5 बजे ही विदाई हो जाएगी, अभी शादी बैठेगी और फटाफट शादी हो जाएगा, फिर सुबह के 5 बजे हॉल खाली करना है, दुल्हन आ जाएगी घर तो दूसरा वीडियो स्टार्ट हो गया। अभी मैं यहीं इस वीडियो का एंड करूँगी और नीचे चलो दिखाती हूँ कितने गेस्ट हमारे अभी यहाँ रुके हुए हैं, फिर मैं एंड करती हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यार कितना सन्नाटा है, मैं अकेले सीढ़ी से जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करना था। तो ये देख सकते हैं ये थोड़े से मेरे घर वाले अभी जा रहे हैं, और पीछे पीछे मैं हूँ, और घर के खाली आदमी लोग रुक रहे हैं, और सृष्टि मेरी बेटी और जेठानी की बेटी रुक रही है, बाकी कोई नहीं रुक रहा है, सब घर जा रहे हैं। तो अब मैं यही वीडियो का डिजाइन करती हूँ, मिलती हूँ अपने अगले न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।